बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज जो है ना मैं ड्राइवर पे सफर कर रहा हूँ। ये जी अभी मैंने यहाँ से जो है ना रावलपिंडी वाले टिकट लेने। ये जी आगे मेरे टिकट्स यहाँ से एबटाबाद से रावलपिंडी के लिए और फिर वहाँ से आगे स्लीपर के लूँगा। ये जी मेरे साथ मदसर मुझे जो है ना छोड़ने के लिए आया है। मैं बैग सीटने के लिए। बैग के ऊपर चार लगने थे, कितने हैं ये? मैंने चार ले लिया आपके। अच्छा चार हैं, चार ठीक होगा। चार बैग जमा करवाए तो वहाँ से लेने के लिए आया हूँ। वहाँ से आगे जो है ना कराची के लिए फिर लेने पड़ेंगे, तो मैं आज जा रहा हूँ कराची। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपको ड्रॉप करने नहीं आया, मैं बैग चलाने तो ये ड्राइवर है जिस पे अभी हम जो है ना रावलपिंडी तक जाएंगे, वहाँ से आगे जो है ना फिर हम स्लीपर पे जाएंगे। ये जी सामा भी आया है, लेकिन ये मेरे साथ बड़ा अटैच है, इस वजह से ये रो रहा है। ठीक है यार, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मोहित भी मेरे साथ आया था मुझे छोड़ने के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जाओ, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, हम जो है ना रावलपिंडी के लिए निकल चुके हैं। ओके। ये जी देखें, खतीजा और ज़ैनब दोनों जो है ना शरारत कर रही हैं। ये जी अभी हम जो है ना रावलपिंडी टर्मिनल पर पहुंचे हैं। ये जी अभी हम जो है ना रावलपिंडी टर्मिनल पर पहुंचे हैं। यहाँ से जो है ना एक घंटे बाद हमारा डिपार्चर है कराची के लिए स्लीपर बस। इंतज़ार हो रहा है, किस चीज़ का इंतज़ार है? ज़ैनब रात को जो है ना ग्लासेस पहन के बैठ गई है। ज़ैनब का कोई टाइम नहीं है ग्लासेस का। ये जी यहाँ से मैंने जो है ना टिकट ले ली है। ये जी ये सामने आ गई है ड्राइवर स्लीपर, तो इस पे जो है हमारा 10 बजे जो है ना बचर है रावलपिंडी से कराची के लिए। चलें जी आपको एक जो है ना बस का रिव्यू दे देता हूँ ऊपर जाके स्लीपर का। ये देखिए इस तरह की स्लीपर बस है। ये सामने एलसीडी वगैरह लगी है, ये ऊपर एसी चल रहा है। ये एक बंदे के लिए जो है ना सिंगल बेड है, एक सीट। ये इस तरह के डबल बेड लगे हैं, ये देखें इस तरह के बच्चों के लिए। चलें अभी ट्रैवल करेंगे तो फिर जो है ना पता चलेगा क्या हो रहा है। ये बैठी हैं जी खतीजा ज़ैनब, और पीछे अगर बैठना चाहे तो पीछे भी हमारे पास सीट है, लगेज रखने के लिए ये जगह है। ये देखें जी लेग स्पेस। चलें जी अभी जो है ना हम रावलपिंडी टर्मिनल से निकल रहे हैं। ये जी साथ में जो है ना शीशा तोड़ने के लिए ये भी दिया हुआ है टूल, कि अगर कोई मसला हो तो शीशा तोड़ सकते हैं। यहाँ से जो है ना लाइट्स ऑन हो रही हैं, ये देखिए। चलें जी अभी जो है ना हमें इन्होंने एक मेल बॉक्स दिया है, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। ओहो, इसके अंदर से जो है ना ख़जाना निकल आया। एक अदद जो है ना चिप्स है, एक अदद बिस्किट है, ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट है, और एक अदद सैंडविच है। क्या कहते हैं अच्छा है। ये जी अभी हम जो है ना कलर कार के ऊपर रुके हैं, यहाँ पे 15 मिनट का स्टे है हमारा, तो ये सामने सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं। अभी तक जो सफ़र गुजरा है वो काफ़ी अच्छा गुजरा है और आरामदेह था, बिल्कुल आराम सुकून से लेट के आए हैं। ये जी इस वक्त टाइम हो रहा है 4:41, तो अभी हम पहुँचे हैं खारियावाल टर्मिनल के ऊपर। गुड मॉर्निंग जी, रात को हम सोए रहे हैं तो अभी उठी हैं, खदीजा भी अभी उठी है। A few moments later. ये देखें जी आप जो है ना इन्होंने हेडफोन्स लगा दी हैं और इस तरफ जो है ना ये प्रोग्राम देख रही हैं, ये टीवी लगा हुआ है। ये जी अभी जो है ना हम रहीमयार खान टर्मिनल के ऊपर पहुंच रहे हैं, तो नीचे उतर के आपको दिखाता हूँ रहीमयार खान का छोटा सा खूबसूरत सा टर्मिनल। ये है जी रहीमयार खान का टर्मिनल। ये जी अभी हम इस टाइम जो है ना रोड़ी सक्कर पहुँच रहे हैं, तो यहाँ तक ही मोटरवे है, यहाँ से आगे जो है ना जीटी रोड है। ये जी अभी आप जो है ना सक्कर पहुंचे हैं और वो सामने जो है ना मील बॉक्स, वहाँ से जो है ना खाना वगैरह देते हैं, सक्कर से बिरयानी होती है। अभी जो है ना मील बॉक्स लेने जा रहा हूँ, टिकट मेरे हाथ में है, तो वैसे तो मैं ले रहा नहीं था, मैंने कहा आपको भी थोड़ा रिव्यू दे दूँ इसके ड्राइवर का मील बॉक्स का जो सक्कर से मिलता है वो कैसा है। चलें जी ये ले लिया मैंने 2 अदद बिरयानी। ये जी ये आ गई बिरयानी।
ये जी 1:26 है, अभी हम पहुंचे हैं मोरो। तो यहाँ से आगे कराची का तकरीबन 4 से 5 घंटे और लगने हैं हमारे। ये जी अभी हम जो है ना हैदराबाद पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। ज़ैनब और खदीजा का वॉमिटिंग हुई है, अभी मेडिसिन वगैरह दी है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। ये जी अभी हम जो है ना हैदराबाद पहुंचे हैं तकरीबन 1.5 घंटा लेट। तो इस वक्त जो है 5 हो रहे हैं, हमें 4:30 तक कराची पहुँचना था। जैनब जो है ना अपने बस मोबाइल के साथ लगी हुई है, तो यहाँ से बाहर जो है ना विंडो भी है, बाहर भी देख सकते हैं। बाकी एसी, लाइट्स, बेल, चार्जर पोर्ट, ईयरफोन, सब चीज़ अंदर ही है। अगर आप लेटे लेटे थक जाते हैं ना, तो ये पीछे बैक सीट्स भी लगी हैं, वहाँ जाके बैठ के आराम कर सकते हैं। यहाँ बैठ के ना फुल नज़ारे लें बाहर के। तो अभी हम जो है ना हैदराबाद से कराची के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये जो है ना इस वक्त मोटरवे के ऊपर हैं, हैदराबाद टू कराची। तो बाकी अगर अपना लगेज रखने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है। स्लीपर बस में जो है ना 24 पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं एक टाइम पे, 12 नीचे और 12 ऊपर, डबल बनी हुई है। अभी हम जो है ना कराची पहुँचाएँ, विद इन 3 मिनट कराची टर्मिनल पर होंगे। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, दुआ के साथ कल आलाम साहब को अपने कारखाने का बजार दुआ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाएँ इसी खूबसूरत दुआ के साथ। आज के लिए दीजिए इजाज़त, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट्स करके सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें।